भाई दोस्तों वेलकम विद अस वी प्रॉपर्टीज और सब नु ससी का नमस्कार ते जय। दोस्तों असी सिर्फ मौजूद हां शहर दी मिडल दी लोकैलिटी दे विच और प्रॉपरली कमर्शियल एरिया दे विच। तुसी देख सकदे हो कि तहसील कंपलैक्स दे ओपोजिट साइड ते असी इस वेले पहुंच चुके हां और जिन्नी भी शहर दी मार्केट प्लेस है, जिन्ने भी शहर दे बैंक दे ब्रांचेस ने और इंश्योरेंस दे ऑफिसेस वगैरह ने, कारपोरेट ऑफिसेस ने, वीजा ऑफिसेस, सारे इस जगह ते अवेलेबल ने। कहण दा भाव है कि शहर दी ज़्यादातर जो कि कारपोरेट सैक्शन की जो कि आबादी है वो सारी इस जगह पर अवेलेबल है। तुम देख सकते हो कि पुंडा द्वारा इस जगह को डिवेलप किया गया है, प्रॉपरली पार्किंग का ध्यान रखा गया है। तुम चंडीगढ़ के बिहार से इस जगह को देख सकते हो कि डिवेलप किया गया है। पार्किंग तुम देख सकते हो कि इन्नी पार्किंग किसी कमर्शियल साइड पर अवेलेबल नहीं होती जिन्नी कि इस जगह पर अवेलेबल है। और जलंधर शहर के कचहरिया के बिल्कुल ओपोजिट साइड पर कारपोरेशन सैक्टर सारा अवेलेबल है। जिन्ना भी तुम देख सकते हो कि पार्किंग एरिया है काफ़ी ज़्यादा इस जगह पर अवेलेबल है। यह है जी साड़ी प्रॉपर्टी जो कि ग्राउंड फ्लोर से अवेलेबल है, जिस कि बिजनेस के वास्ते या किसी तरह की कमर्शियल यूज वास्ते इस प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हो तो बहुत ही वधिया जो कि लोकैलिटी है। सब तो पहले इनसाइड तुम देख सकते हो कि काफ़ी स्पेस इस जगह पर अवेलेबल है। अगर किसी को MNC ऑफिस वास्ते यूज वास्ते या किसी वीजा ऑफिस वगैरह यूज वास्ते इस प्रॉपर्टी हायर करना हो तो बहुत ही वधिया स्पेस है और बहुत ही बिग स्पेस अवेलेबल है जो कि शहर के सेंटर की लोकैलिटी से अवेलेबल है। देख सकते हो तुम काफ़ी जो कि कमर्शियल एरिया है शहर के सेंटर की लोकैलिटी के ऐसी प्रॉपर्टी मिलना जो कि एक किस्मत की गल होती है। और असी तुहानू रूबरू करा रहे हैं एक बहुत ही बिग स्पेस जो कि शहर के सेंटर की लोकैलिटी के अवेलेबल है और कारपोरेशन सैक्टर है, जिन्हें भी बैंक के ब्रांचिस वगैरह ने, कारपोरेट ऑफिस वगैरह इस जगह पर मौजूद ने। और ओपोजिट साइड देख सकते हो कि पार्किंग वास्ते काफ़ी स्पेस इस जगह पर अवेलेबल है, जिसे कि पार्किंग की दिक्कत जो कि अजकल मेन प्रॉब्लम होती है उस जगह से काफ़ी अवेलेबल है पार्किंग वास्ते। अगर थोड़े ऑफिस कमर्शियल यूज वास्ते कस्टमर की पार्किंग वास्ते स्पेस चाहिए हो स्पेशल नीड होती है जो कि इस जगह पर बहुत ही बिग पार्किंग अवेलेबल है। और ऑफिस देख सकते हो तुम काफ़ी वधिया तरीके मेंटेनेंस इस जगह पर की गई है, पुंडा द्वारा इस जगह को डिवेलप किया गया है और काफ़ी वधिया फेमस ऑफिस जो कि होंगे ने इस जो कि कमर्शियल सैक्टर के अवेलेबल ने। प्रेस ऑफिस कह लो जो ऑटोमोबाइल की मार्केट इस जगह पर बिल्कुल क्लोज अवेलेबल है। ऑटोमोबाइल का किसी टाइप का बिजनेस इस जगह पर बहुत ही वधिया जो कि डिवेलप किया जा सकता है। किसी टाइप का कमर्शियल यूज जिमें कि वीजा ऑफिस वगैरह या शहर के सेंटर की शॉप वगैरह इस जगह पर बहुत ही वधिया बहुत ही वधिया बिजनेस का। सब तो खास गल है कि ग्राउंड डेवलपमेंट का कर भी नहीं है, देख सकते हो कि ऐसी प्रॉपर्टी है अगर किसी भी टाइप का बिजनेस किया जाए तो बिजनेस डेवलप ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि मिलना एक कॉर्पोरेट सेक्टर है और प्रॉपरली डेवलप एरिया है जो कि शहर की सेंटर की लोकैलिटी है। स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार या शहर का तहसील कंपलैक्स बिल्कुल ओपोजिट साइड पर अवेलेबल है। इस करके इस जगह को प्रॉपरली कॉर्पोरेट सैक्टर के जो कि तब्दील कर दिया गया है। तुम देख सकते हो कि क्राउड इस जगह पर जितना ज़्यादा है इस जगह पर किसी भी टाइप का भी ऑफिस इस जगह इस जगह पर बहुत अवेलेबल है। और अगर किसी टाइप का फाइंड कर रहे हो कि ऑफिस या किसी टाइप की शॉप वगैरह तो रेंट से चाहिए हो जिस करने वास्ते बहुत ही जो कि शहर के ग्राउंड फुल एरिया अवेलेबल है। अगर तुम फाइंड कर रहे हो तो तुम सा टाइप कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या किसी टाइप का हाउस तुम चाहिए हो, प्लॉट चाहिए हो, लैंड चाहिए हो, फ्लैट चाहिए हो तो तुम सा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शहर की मिडल की लोकैलिटी के सेंटर की लोकैलिटी के अगर तुम प्रॉपर्टी फाइंड कर रहे हो, किसी टाइप की रेंट से फाइंड कर रहे हो या तुम सेल्फ चेयर वास्ते फाइंड कर रहे हो तो साढ़े जुड़े रह सकते हो। असी बहुत ही वीडियोज़ लैके आते रहते हैं, चैनल सबसक्राइब जरूर करो और वीडियोज़ को शेयर जरूर करो।